आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव में ठंड का मौसम और दादाजी की सच्ची कहानियां, ये उन दिनों मेरे लिए सबसे आनंददायक पल था। रात होते ही हम सभी दोस्त दादाजी के कमरे में चले जाते हैं और देर रात तक उनसे गांव की सच्ची सच्ची कहानियां सुनते हैं। ऐसी ही एक रात हम सभी दोस्त दादाजी के कमरे में गए और उनको कहानियां सुनाने को बोलने लगे। हमारे काफ़ी जिद करने के बाद दादाजी कहानी सुनाने को तैयार हो गए, जिसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया। आज से 40 साल पहले हमारा गांव काफ़ी छोटा हुआ करता था। उस समय हमारे गांव में मिट्टी के घर हुआ करते थे। हमारा भी घर मिट्टी का ही था और हमारे घर की उन दिनों आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं उस वक्त गांव में रिक्शा चलाने का काम किया करता था। गांव में बिजली ना होने के कारण रात के वक्त सभी लोगों के लिए टॉर्च ही एकमात्र सहारा था, तो मैं भी रात के वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखा करता था। ऐसे ही एक दिन रात के वक्त मैं गांव के स्टेशन से रिक्शा लेकर अपने घर लौट रहा था। उस दिन मेरी कमाई अच्छी नहीं हुई थी, तो मैं काफ़ी उदास होकर घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। रात काफ़ी हो गई थी क्योंकि पूरे रास्ते पर मुझे मेरे और घने अंधेरे के सिवा और कोई भी नहीं दिख रहा था। अंधेरा इतना छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की लाइट उस घने अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। रास्ते के दोनों ओर जंगल होने के कारण बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाज़ें मुझे कुछ हद तक डर का अनुभव करा रही थीं। अभी मैं रिक्शा लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा, जो हाथ दिखाकर मुझे रिक्शा रोकने का इशारा कर रहा था। तो मैंने भी ठीक अपनी रिक्शा को ठीक उस आदमी के पास रोका और उससे कहा, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, शमशान जाना है मुझे। इतना बोलकर वो आदमी मेरे कुछ बोले बिना ही चढ़कर मेरी रिक्शा में बैठ गया। वो आदमी अपने पूरे चेहरे को एक चादर से ढक रखा था, जिस कारण मुझे उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। तो मैंने उस आदमी से कहा, क्यों भाई साहब, आपको इतनी रात गए शमशान क्यों जाना है? कोई मर गया है क्या? इस पर उस आदमी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। मेरी भी सुबह से कुछ अच्छी कमाई नहीं हुई थी, तो मैं चलने को तैयार हो गया और मैंने उस आदमी को कुछ भाड़ा बढ़ाते हुए कहा, भाई साहब रात के वक्त तो शमशान जाता नहीं हूँ, तो 10 रुपये लगेंगे। जिस पर उस आदमी के हाँ बोलते ही मैंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। वो आदमी एक पुतले की तरह मेरी रिक्शा के पीछे बैठा हुआ था। ना तो वो आदमी मुझसे बातें कर रहा था और ना ही वो अपने शरीर को ज़्यादा हिला डुला रहा था। कुछ देर रिक्शा चलाने के बाद हम उस रास्ते से अलग शमशान जाने वाले रास्ते पर आ गए, तो वो रास्ता पिछले वाले रास्ते से भी ज़्यादा सुनसान और सन्नाटे में डूबा हुआ था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, तो मैंने एकदम से ब्रेक लगाकर रिक्शा रोका। तो मेरे अचानक रिक्शा रोकते ही उस आदमी ने मुझसे रिक्शा रोकने का कारण पूछा, तो मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है, इसलिए मैंने रिक्शा रोका। जिस पर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसकी हंसी किसी साधारण इंसान की तरह नहीं थी, एक भयानक हंसी थी जो मेरे कानों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ देर हंसने के बाद उस आदमी ने मुझे रिक्शा चलाने को कहा, तो मैंने भी रिक्शा आगे बढ़ा लिया। मगर अब थोड़ा थोड़ा मुझे पता चलने लगा था कि मैं किसी मुसीबत में फंसने वाला हूँ।
फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। अभी मैं रिक्शा चला ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक भारी सी आवाज आई, आज तुझे मारकर मेरा बदला पूरा होगा। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और जब अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाई तो मैं काफी डर गया और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अब उस आदमी के शरीर से खून टपक रहा था, वो भी इतना कि उसने जो चादर लपेट रखा था वो खून से लथपथ हो गया था। अभी मैं उस आदमी को देखकर कांप ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, याद है ना तुझे, आज से 2 साल पहले क्या हुआ था। उस आदमी के इतना बोलते ही मेरी आंखों के सामने 2 साल पहले की घटना नाचने लगी। दरअसल 2 साल पहले इसी तरह मैं एक आदमी को बैठाकर कहीं जा रहा था, तभी एक ट्रक काफी रफ्तार से बेकाबू होकर हमारी रिक्शा की ओर आने लगी। तभी मैं रिक्शा से कूद गया और ट्रक काफी रफ्तार से रिक्शा से जाकर टकराई, जिससे रिक्शे पर बैठे उस आदमी की वहीं पर मौत हो गई। मगर उस घटना का इस आदमी से क्या लेना देना, अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने अपने ऊपर ढका चादर एकदम से उठा दिया। फिर जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये वही आदमी था जो उस घटना में मारा गया था और अब उसकी शक्ल पूरी तरह से कटी हुई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे उस भूत ने कहा, तुझे भी मरना होगा। इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और एक झटके से मुझे उठाकर नीचे जमीन पर पटक दिया। मैं अपने बचने की उम्मीद अब छोड़ चुका था और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था। तभी वो भूत मेरा पैर पकड़कर मुझे जंगल के अंदर घसीटने लगा। उस भूत की शक्ति के आगे मैं एक लाश की तरह घसीटता जा रहा था। घसीटते हुए उस भूत ने मुझे जंगल के अंदर ले जाकर मेरा गला पकड़ लिया। वो भूत मुझे जंगल के इतनी अंदर ले आया कि मेरे चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था। फिर भी मैं बिना कोशिश किए मरना नहीं चाहता था, तो मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उस भूत ने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा। तभी मेरी चीख की आवाज़ सुनकर वहाँ ना जाने कहाँ से 2 अघोड़ी आ गए और जो आते ही मुझ पर भभूत छिड़कने लगे, जिससे वो भूत वहाँ से भाग गया। फिर उस अघोड़ी ने कहा, ये भूत तुझ पर काफ़ी गुस्सा है और यह तुझे अकेले पाकर ही फिर से तेरे पर हमला कर देगा। उस भूत से बचने का उपाय पूछने पर उन अघोड़ी बाबा ने मुझे एक ताबीज़ दिया और उस ताबीज़ को हमेशा हमेशा के लिए अपने गले पर पहनकर रखने को कहा, जिससे वो भूत मुझे मारना तो दूर मेरे पास भी नहीं भटकेगा। फिर मैं किसी तरह से अपने घर आ गया। दादाजी की कहानी खत्म होने के बाद मैंने जब उनके गले की ओर देखा तो आज भी उनके गले में वो ताबीज था, यानी कि आज भी वो भूत दादाजी को मारने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।